सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एक के बाद एक एग्जाम, एग्जाम्स की श्रृंखला शुरू हो चुकी है दोस्तों, और इस श्रृंखला में आप किसी भी एग्जाम के कोर्स को लेने से ना चूक जाएं, इसलिए परिष्कार वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है बसंत पंचमी ऑफर। सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर बहुत भारी छूट, इस बसंत पंचमी ऑफर का फायदा उठाइए, अपने कोर्सेज को नहीं, क्वालिटी से भरे हुए कोर्सेज को लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड 8:05 PM में आप सभी का स्वागत है, और आज स्टूडियो में है मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान महमूद सर। महमूद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है बहुत ही संवेदनशील है जी, कि जो विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं, विशेष योग्यजन हैं, उनका पालन कैसे करें, तो ये अपने आप में एक मुद्दा है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ही संवेदनशील टॉपिक तो है ही। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं, जिनसे जुड़ते हैं, तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इस बात की सीख देगा कि ऐसे बच्चों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों में ज़िंदगी जीने का जज्बा तो है और बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं उन्हें, लेकिन अपनी तकलीफ़ों का जो है उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस है तो एक आशा और एक ऐसी उम्मीद। शायद ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद हम लोगों में भी नहीं है, वो ज़िंदगी जीने का जज्बा हम लोगों में भी नहीं है जो ऐसे बच्चों में है, तो आज ऐसे बच्चों को सलाम। तो उसके पहले मैं महमूद भाई आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। महमूद भाई हमारे बहुत पुराने जानकार हैं परिष्कार के, और परिष्कार कॉलेज में जो 3 दिन का PD का कैंप होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जिसका कि बहुत बार सविता मैडम ने अपने लाइव सेशन में जिक्र किया है, और वो PD का कैंप कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बच्चे की ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन हाँ वो बच्चों में एक चेंज जरूर लेकर आता है। और 3 दिन में जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की टीम है, वो बच्चों को उनके सोचने के तरीके को, उनके रहने के तरीके को, उनकी ज़िंदगी जीने के तरीके को सब कुछ बदल देता है। और उस PD कैंप में ही हमारे महमूद भाई आते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, और उसके बाद परिष्कार जो विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है आज़ादी नाटक का, जो कि रविंद्र रंगमंच पर हम 2 दिन खेलते हैं हज़ार हज़ार बच्चों के साथ, उसमें महमूद भाई हैं जो हमारे एक सीन को डायरेक्ट करते हैं, 9 डायरेक्टर्स होते हैं। तो महमूद भाई इस रूप में भी थिएटर से जुड़े हुए हैं, और 20 साल का अनुभव हमारे महमूद भाई को है, ये तो उनको थिएटर का है, और स्टेट लेवल पर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो भी महमूद सर को मिला है। नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके साथ सर ने 12 साल काम किया है अनुभव, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल चिल्ड्रन, जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्पेशल जो बच्चे हैं, जो विशेष योग्यजन है, उनके साथ महमूद भाई को तकरीबन 7 साल काम करने का अनुभव है। तो आज हम महमूद भाई से ये अनुभव साझा करेंगे और सीखेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ हम, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, परिवार वाले कैसे व्यवहार करें। तो महमूद भाई परिष्कार वर्ल्ड में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है, तहे दिल से। चलिए हम सबसे पहले हमारे दोस्तों को नमस्कार कर लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाई सिंह लिम्बा जी हमारे लाइव सेशन में जुड़ते ही रहते हैं जी जी, अनीता जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और रचना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं चाहती हूँ बिल्कुल जल्दी से बच्चों फटाफट से शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और जितने भी आपके साथी हैं, जैसा कि मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था कि आज आप सब लोगों को जुड़ना है, तो सर चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जी जरूर। सबसे पहले जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि विशेष क्षमता वाले जो बच्चे हैं उसका पालन कैसे करें, तो एक विशेष क्षमता या विशेष योग्यजन सुनते ही हमारे जहन में एक अलग तरह की फीलिंग्स आ जाती है, तो थोड़ा सा पहले आप इस शब्द का मतलब बताइए हमारे दर्शकों को कि इसका शब्द का क्या मतलब है। जी मैम, विशेष योग्य जन का मतलब होता है कि उसमें कुछ विशेष, ऊपर वाले ने कुछ एक ऐसी डिसेबिलिटी रखी है जिसकी वजह से वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसमें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हैं, तो उस डिसेबिलिटी को वो कैसे इम्प्रूव करे, उस जो विशेष जो बात है उसके अंदर वो उसको कैसे इम्प्रूव करके अपने आप को सोशल बनाए और अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक स्ट्रगल करें। जी जी, बहुत बढ़िया। और देखिए हमारे साथ सर मानमल जी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद जमील जी जुड़ सकते हैं, राजस्थान पुलिस से शायद ये इन्होंने अपनी आईडिया ऐसी बना रखी है। नीलोफर जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग नीलोफर। और महेश जी,
हिंदी की क्लास लाइव ऐप पर नहीं चल रही है बेटा, लाइव तो क्लास आज राघव सर की हो नहीं पाएगी, है ना, लाइव क्लास तो ऐप में चलती नहीं है। आज से हमारी शुरू होने वाली है पीएसआई की क्लास, और राघव सर को किसी काम से आज जोधपुर जाना पड़ा अर्जेंट, तो हितेंद्र सर की क्लास होगी, है ना। देखिये मोहम्मद महमूद सर, आपको इस्तकबाल किया जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और नहीं बेटा महेश जी, आपको कोई गलत फहमी, 5 बजे का समय नहीं था, 6 बजे का समय है ना। चलिए सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, अभी आपने विशेष योग्यजन को समझाया, ये किस तरह की डिसेबिलिटीज हैं, क्या इनके टाइप्स हो सकते हैं, होते हैं ये होते हैं? जी जी बिल्कुल, आप बताएं। मैम, विशेष योग्यजन की अगर श्रेणी की हम लोग बात करते हैं तो कई तरह की डिसेबिलिटीज हैं, जैसे एक तो मेंटली होती है, फिजिकली होती है, दृष्टि बाधित होती है, वाचिक होती है जो बोल नहीं सकते, पैरों की अपंगता होती है, तो इस तरह से कई तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं। लेकिन ये जो लेवल है इनका बहुत हायर लेवल पे होता है, तो इसलिए ये शो ऑफ होती है हमको। जी जी, जी। लेकिन अगर हम लोग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो आज के इस टाइम में कि हर इंसान में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, लेकिन वो बहुत माइनर लेवल पर है, क्योंकि वो फिर शो नहीं हो पाती। जी जी, जी और जो शो नहीं होती तो वो छुपके रह जाती है, और शो हो जाती है तो फिर वो विशेष क्षमता हो जाती है। जी मैम। सर एक मतलब थोड़ा सा सवाल है मेरा ये कि विशेष योग्यजन का नाम आते ही पता नहीं क्यों हमारे जहन में एक अलग से बच्चे की वो छवि अलग बन जाती है, क्यों हम उनको अलग दृष्टि से देखते हैं, ऐसा क्या कारण है कि जैसे हमको लगता है कि नहीं ये बच्चा डिसेबिलिटी से युक्त है तो हम उसको क्यों अलग दृष्टि से, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे उसके रिलेटिव्स हो, चाहे वो स्कूल वाले हो, कुछ भी कोई भी हो, लेकिन उसको क्यों अलग दृष्टि से देखते हैं? मैम, बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक हमारा जो पैटर्न चला आ रहा है कि भाई जैसे हमें लगता है कि ये स्पेशल है, यानी कि इसमें कुछ कमी है और इसको मदद की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं कि उसको मदद देना स्टार्ट कर देते हैं, उसको खुद एबल नहीं बनाते, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं छोड़ते, तो ये सोचते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि हम इसकी मदद करेंगे तो हमें इसका फायदा होगा या हमें इसका पुण्य मिलेगा कि हम ऐसे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। जी जी। लेकिन जबकि हमें उनको डिपेंड बनाना है, हमको इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर हमको उनको डिपेंड रखना है। जी। तो हमारे मन में इस तरह के विचार आते हैं कि चलो ये चलने में इसको प्रॉब्लम है, या इसको मेंटली लेवल पे ये ढंग से अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है या अपनी बात को नहीं कह पाता है, तो हम उसका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जी। जबकि हम उसको ये इस तरह से हम कहते नहीं कि भाई तुम अपनी बात को रखना सीखो, इस बात को हम लोग नकार देते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया कि क्यों उसको देखते हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। सर, हमारे बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज जी हेलो, अनिल जी आपको भी बहुत बहुत गुड इवनिंग, और उसके बाद प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और निखिल लोहिया जी, और उन्होंने आपके लिए हार्ट भी भेजा है सर, और हिम्मत जी हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। चलिए सर, अब थोड़ा सा अगर हम इस टॉपिक की तरफ और अंदर घुसते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील हमारा विषय है। जी जी मैम। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो विशेष योग्यजन है उनका व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि वो थोड़े से अलग होते थोड़े से अलग होते तो हैं। क्या उनका व्यवहार एक नॉर्मल बच्चे से अलग होता है, और अलग होता है तो क्यों ऐसा है, थोड़ा सा उनके व्यवहार के बारे में आप बताएं। जी जी जरूर मैम। मैम, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका शुरुआत में जो तो व्यवहार होता है ना, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। जी। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग जानते हैं कि इसमें ये कुछ कमी है, इसमें ये डिसेबिलिटी है, तो हम उसको उसका नजर, उसका देखने का नजरिया, उसके बात करने का नजरिया, वो सब हम लोग धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि उसके बच्चे की जो मानसिक जो स्तर पर जो उसके मन में जो सवाल उठते हैं और जो क्वारीज होती हैं, तो उस पर भी उसका फर्क पड़ता है कि ये मुझे इतनी महत्ता क्यों दे रहे हैं, मुझे इतना मतलब इस तरह से मुझे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ज्यादा पैम्परिंग क्यों कर रहे हैं, कि मैं ना तो मुझे डांट रहे हैं, ना मुझे मार रहे हैं, ना मुझसे कुछ बात इस तरह ही कह रहे हैं कि जो जिससे मुझे फीलिंग हो। तो इस तरह की बात जब हम उस बच्चे से करना स्टार्ट करते हैं तो उसके व्यवहार में, उसके नेचर में वो बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। जी। फिर वो अपने आप को सोचता है कि मैं इतना मतलब केयर करने वाला क्यों हूं, मैं इतना, मैं उस आम बच्चे की तरह क्यों नहीं हूं कि जो मुझे डांट भी पड़ती है, मुझे प्यार भी मिलता है, या मुझे मुझसे जो गलती होती है तो मुझे समझाया भी जाता है। हम उस बच्चे की हर बात को नकारते हैं, उससे जो भी गलती होती है उसको हम लोग उसको डिसेबिलिटी में कर देते हैं, कोई बात नहीं कि बच्चा है ऐसा। बिल्कुल। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब जो भी उस बच्चे से जुड़े हुए हैं उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना हमको चाहिए। जब हम उनको एक नॉर्मल बच्चे की ट्रीटमेंट की तरह हम उनसे बात करेंगे, उनसे वो सवाल करेंगे, तो वो अपने माइंड में अगर मान लीजिए उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस पर प्रेशर डालेगा कि मुझसे जो सवाल किया जा रहा है मुझे उसका जवाब देना है,
तो वो कोशिश करेगा। तो हम क्या करते हैं कि कई बार उस बच्चे की ग्रोथ जो होने वाली होती है उस कोशिश को हम लोग उसको कम कर देते हैं, जी जी, उसको प्रेशराइज नहीं करते। जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है, हम उस पर कितना प्रेशर डालते हैं, तुझे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा और तेरे को 80% मार्क्स लेके आने हैं, लाने पड़ेंगे और नहीं तो फिर तो देख लेना। हाँ, देखो उनका बच्चा कितना पढ़ता है, तुम बिल्कुल कंपेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दिव्यांग जन की बात करते हैं, विशेष योग्य जन की बात करते हैं, तो हम कंपेयर करना बंद कर देते हैं। जी जी, हम उसको उतनी महत्व देते नहीं कि भाई तू भी कर सकता, यू कांट डू, और चाहे और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जैसे मैं विशेष बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो वहाँ टीचर्स कहते हैं नहीं सर ये बोल नहीं सकता, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, आप तो खाली डायलॉग बोलो, ये एक्शन करेगा ये। फिर मैं आर्ग्यू करता हूँ, मैम क्यों नहीं कर सकता, मैं एक बार ट्राई करूंगा, 2 बार ट्राई करूंगा, 3 बार ट्राई करूंगा, मैं जब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक ये बोलेगा नहीं। जी जी जी। तो कई बार मेरा और उन टीचर्स का आपस में आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है और फाइनली जीत मेरी ही होती है और मैं उस बच्चे से बुलवाता हूँ। जी बहुत बढ़िया। देखिए मैं हमें दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि महमूद भाई ने कितनी बहुत ही कितनी अच्छी बात कही कि जो बच्चे हैं उनको हम ऐसा बना देते हैं। जी, हम ऐसा, हम लोगों के व्यवहार की वजह से उन बच्चों का व्यवहार ऐसा हो जाता है और हमें उनके साथ नॉर्मल जो बच्चा है वैसा ही व्यवहार करना ही चाहिए, है ना। चलिए सर, इसी क्रम में मैं आगे आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे देशराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हीना जी भी जुड़ चुकी हैं। मेरा आप लोगों के दर्शकों को सभी से ये निवेदन है कि यदि आपका भी कोई प्रश्न हो, आपके रिलेशनशिप में, आपके कहीं भी, आपके दोस्तों में, सर्किल में कोई ऐसा बच्चा हो और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके जो प्रश्न है आमंत्रित है मंच पर, ठीक है। सर अगर मैं बात करूं कि परिवार में एक बच्चा ऐसा हो गया है, जी जी मैम, तो माता पिता का क्या रोल रहता है और भाई बहन है उनका क्या रोल रहता है, आसपास जो उसके पड़ोसी हैं उनका क्या रोल रहता है, या पूरे जो रिलेटिव्स हैं, कि अगर परिवार में एक बच्चा ऐसा हो गया तो उनका क्या रोल रहता है, क्या उनका व्यवहार रहता है, थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत काम किया है, थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। जी जरूर मैम। देखिए मैम, जब परिवार में इस तरह का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी डिसेबिलिटी का हमें लगभग 8 से 9 महीने तक पता नहीं चलता है। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है, जब बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है या उकड़ू बैठना स्टार्ट करता है या खड़ा होना स्टार्ट करता है, तब हमें लगता है कि इस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। यानी या चीजें जब नॉर्मल बच्चे की तरह जब वो 9 महीने तक का होता है तब तक तो वो नॉर्मल ही रहता है, पता नहीं चलेगा क्योंकि वो जब घर में एक नया मेंबर आता है तो हमें उसकी हर हरकत अच्छी लगती है। जी जी बिल्कुल, चाहे वो गलत कर रहा है लेकिन वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब लगता है कि भाई 9 महीने की उम्र में मान लीजिए उसकी पकड़ मजबूत नहीं हो रही है, ग्रिपिंग नहीं आ रही है, तो वो क्यों नहीं आ रही है, हम उस पर ध्यान देते नहीं है बिल्कुल। और माँ बाप क्या करते हैं, कई बार इस चक्कर में ये चीज छुपाना स्टार्ट कर देते कि मेरा बच्चा ऐसा है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है समाज का, परिवार का, सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे कि आपके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। वो ये सोचेंगे कि हमें क्यों हीन भावना से, हमारे बच्चे को हीन भावना से देखा जाएगा, शायद वो इस वजह से इस चीज को छुपाते हैं। जी जी जी। तो इसका नुकसान उस बच्चे को उठाना पड़ता है। ओके। उसका रीजन ये होता है कि वो वेट करते हैं कि उसको समझदार हो, जब तक वो वेट करते हैं कि वो 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, तब हम इसको स्कूल भेजेंगे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू से ही स्टार्ट हो जाए तो उनका मेंटल लेवल, उनका सोचने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका बैठने का तरीका, उनकी जितने भी जो मूवमेंट्स होते हैं बच्चों के, उस पर वर्कआउट होता है, और उस पर वर्कआउट हो तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि आपका कहने का यहाँ पर ये मतलब मैं निकाल सकती हूँ कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ हो सकती है उसकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा जो बाधक है वो फैमिली होती है। कई बार वो डर होता है। मैं एग्जांपल दूंगा कि एक हमारी एक सोसाइटी के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं जो एडल्ट है, मतलब जी, एक लगभग है 16 साल का और एक लड़की है लगभग 17 साल के आसपास की। शुरू से ही उनके पेरेंट्स ने कहीं नहीं भेजा। मतलब वो एक डर रहा उनके, पता नहीं क्या। तो वो जो लड़का है वो मतलब पूरी सोसाइटी में ऐसे ही घूमता रहता है, मतलब कोई होश हवास नहीं रहता उसका, कोई भी किसी से पैसे मांग लेता है, कुछ भी खाने को मांग लेता है। वो एक लड़की है वो जो पागलों की तरह बिहेव करती है, अपने आप से ही बात करती है वो। तो मैं कई बार मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात की पर्सनल जाके कि जब आपके घर में ये बच्चा था तो आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर इन बच्चों की बहुत अच्छी सी केयर होती है, उन्हें सोशल लाइफ जीने का तरीका सिखाया जाता है, जी, अपने काम करने का तरीका सिखाया जाता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए।
लेकिन डर, बस कहते ना मैम डर, बिल्कुल सही बात है, डर हमें हमेशा हमको पीछे ढकेलता है, आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों महमूद भाई ने कितनी अच्छी बात कही है कि यदि कोई ऐसा बच्चा है, मतलब हमको सबको सीखना चाहिए कि यदि कोई बच्चा आपके आसपास है, आप जानते हैं, या अगर पेरेंट्स यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज यदि आपके आपके पास कोई ऐसा बच्चा है तो तुरंत बिना डरे आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, उसको स्पेशल स्कूल में आप करवाइए, जिससे शायद वो बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ जी सके। मैं तो बल्कि मैम दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जहाँ जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो प्लीज़ आप उनके पेरेंट्स को अवेयर करें, उन्हें समझाएं कि उसे एक सही दिशा दें, एक सही स्कूल में इसका दाखिला करवाएं, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपने आप को सोशल लाइफ जीने के लायक बना सके। जी बहुत बढ़िया। महमूद भाई यहीं से एक और प्रश्न मेरे जहन में है कि समझ लीजिए परिवार में एक बच्चा तो हमारे पास स्पेशल हो गया और एक बच्चा हमारे नॉर्मल है। जी मैम, तो जो पेरेंट्स है जाहिर सी बात है जो आपका हमारे पास विशेष बच्चा है उसको अलग से पैम्परिंग करते हैं, उसकी ज्यादा देखभाल करते हैं क्योंकि उसको उसकी जरूरत होती है, तो नॉर्मल बच्चे के साइकोलॉजी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? नॉर्मल बच्चा उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है? थोड़ा सा ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, मतलब कि इस तरह से वो उस बच्चे का रिएक्शन क्या होता है? बिल्कुल, थोड़ा सा इस पे बताएं। हाँ जरूर मैम, जैसे मान लीजिए किसी घर के अंदर एक स्पेशल चाइल्ड है और एक वहां पे एक नॉर्मल बच्चा भी है, तो वो अपने आप को कंपेयर करता है पहले तो, बिल्कुल, कि जैसे मैं दौड़ पाता हूँ, मैं चल पाता हूँ, या मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ, मैं प्रॉपरली ग्रिपिंग है मेरी, मैं अपने काम खुद करता हूँ, या मेरा भाई या मेरी बहन क्यों नहीं कर पाते जी? उसके मन में 10 सवाल उठते हैं, वो पेरेंट्स से भी सवाल करता है कि मेरा भाई या बहन ऐसा क्यों है जी, जी क्यों ये हम जैसा नहीं है, तो उसके और वो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसको समझाना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये भी है तुम्हारे जैसा, लेकिन इसमें कुछ डिसेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से ये सेल्फ डिपेंड नहीं है, दूसरों पे डिपेंड है, तो आपको उसकी ताकत बनना है, आपको उसकी हेल्प करनी है। अगर ये किसी मोड़ पर कहीं अटक जाता है या कहीं उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है, उसको अपने साथ लेके चलना है जी। तो उसका मेंटल लेवल और उसका मेंटल लेवल मैच करवाना पड़ता है कि वो क्या सोचता है। इसमें पेरेंट्स को तो बड़ी तकलीफ होती होगी क्योंकि जो सामान्य बच्चा है, हो सकता है कुछ बच्चे तो ऐसे हों जो अपने ऐसे भाई बहन की बहुत केयर करें कि मेरा भाई बहन, लेकिन कुछ क्योंकि हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है, लेकिन वो ये सोचता होगा जो जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ कि नहीं इसी को क्यों ज्यादा पैम्परिंग हो रही है, इस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, मुझ पे नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तो दोनों ही बच्चे, और वो बच्चा भी अपनी जगह हो सकता है कि क्योंकि अगर सोचे क्योंकि उसका नेचर है जी जी, तो फिर कहां पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसमें? भाई पेरेंट्स को वही तालमेल बैलेंस करना जरूरी है जी। मैं मानता हूँ कि जब एक बच्चा घर में नॉर्मल होता है और एक डिसेबल होता है, तो एक लिमिट तक हम लोग उसको साथ लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे होता है क्या है कि वो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, तो एक इरिटेशन सा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि वो कब तक मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, अगर उसको वॉशरूम भी जाना है तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, वॉशरूम में कौन उसका साथ देगा, वो अगर अकेला वो नहीं जा सकता है, तो वो उसके लिए हमको मेंटली लेवल पे उसको तैयार करना पड़ता है कि आप जैसे अगर बहन है घर में और बहन बड़ी बहन है वो नॉर्मल है, तो वो कैसे उसकी हेल्प करे अपने जो रूटीन के काम है उसको पूरा करने के लिए। सर ये एक RKPNS गोदारा जी आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि 12 माह के बच्चे की अधिक वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए सर, पालन पोषण कैसे करें? लेकिन गोदारा जी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया कि आप कौन से बच्चे की बात यहाँ पर कर रहे हैं, 12 माह का बच्चा नॉर्मल है या कुछ डिसेबिलिटीज नजर आ रही है? आप थोड़ा सा अपने मैसेज को दोबारा हमें अपने कमेंट को भेजे एक्सप्लेनेशन के साथ, जब तक हम आगे चलते हैं महमूद भाई। मेरा अगला प्रश्न है कि अगर समझ लीजिए कि क्योंकि आजकल की जो लाइफ है आप जानते हैं कि बहुत जो है महंगाई इतनी हो गई है, तो अगर पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हो उस बच्चे के जी, जो हमारे घर में हो गया है स्पेशल उसके, अगर मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग हो, तो ऐसे में उस बच्चे की जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या करना चाहिए ऐसे में पेरेंट्स को? भाई जब क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर पेरेंट्स दोनों ही जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो ये कंपलसरी होता है कि उस बच्चे के साथ एक इंसान का रहना कंपलसरी है, मतलब 24 आवर्स जी,
क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाते। अगर मान लीजिए वो किसी काम के लिए जा रहे हैं और वो गिर गए तो उनकी केयर कौन करेगा? कौन करेगा? तो 24 घंटे एक आया उनके साथ रहनी कंपलसरी है, उनकी जो रूटीन के काम है, उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, तो वो किस तरह से अपने आप को मतलब उसको ले पाएगा? तो वो आया है जो उसकी हेल्प के लिए हमें होनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक व्यक्ति हमेशा उसके होना पास चाहिए, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, मैम, डिपेंड होते हैं। अगर उसको वॉशरूम जाना है और कोई नहीं है घर के अंदर, तो क्या कंडीशन हो सकती है? वो कब तक कंट्रोल करेगा? तो फाइनली अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो चीजें गंदी करेगा फिर वो। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए सर, फैमिली बैकग्राउंड की हमने बहुत सारी बात करी, अब हम थोड़ा सा बच्चे की और आगे चल के स्कूल बैकग्राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऐसे बच्चे को हमें नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहिए या स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए? वो मैम डिपेंड करता है कि उस बच्चे में जो डिसेबिलिटीज है वो कितने परसेंट की है जी। जैसे इन बच्चों में क्या परसेंटेज होता है? ओके, मैंने बताया आपको, जैसे मान लीजिए किसी में 20% डिसेबिलिटीज है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 80% है। तो जैसे मान लीजिए अगर डिसेबिलिटीज का परसेंटेज कम है जी, 20 के आसपास है, 30 के आसपास है, तो उससे मेरी राय है कि उसे नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, ताकि उसको फाइट करने में ज्यादा एफर्ट्स करने पड़े। ओके, चलिए अब आपने बात की नॉर्मल स्कूल की, तो हम यहीं से बात उठाती हूँ मैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे बच्चे को नॉर्मल स्कूल में हमने एडमिट करवा दिया तो उस स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि देखिए वहाँ पर तो बहुत अलग अलग नेचर के बच्चे हैं जी मैम, तो वो उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो इसमें स्कूल का क्या रोल होना चाहिए और स्कूल को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए? मैम ऐसे बच्चों के लिए स्कूल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक अलग जगह से आया हुआ होता है। जो बच्चे नॉर्मल काम कर सकते हैं और वो जो बच्चा है जो स्पेशल है, दिव्यांगजन है, वो काम नहीं कर सकता, तो उसका बैलेंस बनाना पड़ता है। मतलब टीचर्स को उस बच्चे को और बाकी जो नॉर्मल बच्चे, उनका कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, कि उनको ये भावना सिखानी पड़ती है कि आपको इसका साथ देना है, इसकी हेल्प करनी है। अगर इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ताकि ये भी आपके लेवल तक आ सके, ताकि और समाज में, देश में अपने आप को प्रूव कर सके। सर आपके लिए एक प्रश्न है जी, भानु जी पूछ रहे हैं कि 6 साल की विशेष बालक, जो विशेष बालक है जी, आपने 6 साल की लगा दिया, तो मैं तो उसको बालिका समझ रही हूँ, कह रहे हैं एनीवेज जो भी है, उसकी केयर कैसे की जा सकती है? 6 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं कि उसकी केयर के लिए अभी हम आप इसका थोड़ा सा रिप्लाई। बिल्कुल मैं, अगर वो लड़का या लड़की अगर 6 साल का है तो उसकी केयर के लिए सबसे पहले तो आप उसे स्कूल भेजना स्टार्ट करें जी, क्योंकि स्कूल में कंप्लीट ग्रोथ होती है। उसे वहां पर बैठना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है कि अपने आप को कैसे खाना है, कपड़े कैसे साफ रखने हैं, चम्मच कैसे पकड़ना है, अपना टिफिन बॉक्स कैसे पकड़ना है, या अपने रूटीन के जो काम है उसको कैसे करना है। तो उसको क्या सेल्फ डिपेंड बनाना पड़ता है वहां पर, ताकि वो बच्चा अपने आप को धीरे 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 इम्प्रूव कर सके और घर पर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके जी। सर अब वो गोदारा जी ने अपना जो प्रश्न को अच्छे ढंग से भेज दिया है, कह रहे हैं कि नॉर्मल है मैम जी, अच्छा, और चलता भी है और बोलता भी है, ओके, और स्कूल शिक्षा के बारे में जानना है। तो गोदारा जी हमारा तो आपसे यही है निवेदन है कि अभी आप उसको 2.5 साल तक अपने जीने दे, उसका बचपन आराम से, उसके बाद आप उसको पीजी में, जो भी आपके आसपास अच्छा स्कूल है पीजी में आप उसका एडमिशन करवाइए, जिसमें उससे जिससे उसके बहुत अच्छी ग्रोथ हो सके। धन्यवाद गोदारा जी। अगर और भी दर्शकों के प्रश्न है ऐसे बच्चों से रिलेटेड तो प्लीज आपकी क्वेरीज आमंत्रित है। चलिए सर अब मेरा अगला प्रश्न है, हमने स्कूल की बात करी, अब हम थोड़ा सा क्लासरूम पर आते हैं जी, कि टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास में तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, मीडियोकर भी, और एक बच्चा ऐसा जिसको तो उसको समझाने में ही बहुत जोर आएगा, और उस पे स्कूल का प्रेशर है कि मुझे अपना सिलेबस पूरा कराना है, टेस्ट भी करवाना है, तो एक टीचर ऐसे बच्चे के साथ क्या करे, क्या व्यवहार हो, थोड़ा सा टीचर के व्यवहार पर। जी जी मैम, इस तरह के बच्चे के साथ अगर एक टीचर का व्यवहार क्या होना चाहिए, तो टीचर को ये सबसे पहले ये जानना होगा कि इस बच्चे का मेंटल लेवल कितना है, इसकी ग्रोथ पावर कितनी है, मैं जो यहाँ सवाल बता रही हूँ या समझा रही हूँ उसको कितना गेन कर रहा है, उसको कितना समझ पा रहा है। बिल्कुल, देखिए सुन लीजिए जी, ये जहाँ जितने भी हमारे हैं दर्शक, इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं जी, जी, और जी, टीचर बनने वाले हैं, और हो सकता है कि आपको स्कूल में कोई बच्चा ऐसा मिल जाए। तो अभी महमूद भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसको समझिए आप सब लोगों के लिए। हाँ सर कंटिन्यू जी मैम। तो उस बच्चे का सबसे पहले हमें मेंटल लेवल
चेक करना होगा कि उसकी समझने की क्षमता कितनी है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा होता है उसकी समझने की क्षमता अलग होती है, और एक थोड़ा डिसेबल होता है उसकी क्षमता अलग होती है। तो हमें उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उससे सवाल करने होते हैं, और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए वो स्लो लर्नर है तो हमको स्लो लर्निंग के हिसाब से उससे सवाल करने होते हैं। अगर मान लीजिए वो लिखने में थोड़ा सा स्लो लिखता है, बाकी बच्चे स्पीड से लिखते हैं, तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा टीचर को, और टीचर को एक्स्ट्रा टाइम देके थोड़ा उसको समझाना भी पड़ेगा, उसको ज़्यादा बूस्टअप करना होगा ताकि वो उन नॉर्मल बच्चे के लेवल तक आने की कोशिश करें। जी, जी। विक्रम सिंह जी नमस्ते भाई, बहुत बहुत आपको। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं जी मैम, और उसमें ऐसा बच्चा भी है तो वो एकदम डरा सा सहमा सा एकदम बैक बेंचर टाइप रहता है जी, कि जी मुझे कोई देख ना ले मुझसे कोई बात ना कर ले जी, जी। तो ऐसे जो हमारे विशेष योग्यजन है, ऐसा कोई बालक है, तो कैसे वो अपनी सोशल लाइफ को जिए, कैसे वो अपनी सोशल रिलेशनशिप को बढ़ाए सर? जी मैम, जो विशेष योग्यजन जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बहुत शाई नेचर के होते हैं। वो जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, उनको ओपन अप करवाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपनी बात कहूँगा तो क्या पता मेरा उनका जो सामने वाले का रिएक्शन क्या आएगा। बिल्कुल, तो उसको लेके वो थोड़ा सा घबराते हैं, उनकी एक अलग दुनिया होती है। तो अगर उन बच्चों को जानना है, उन बच्चों को समझना है, तो हमें उनकी दुनिया में जाना पड़ता है कि वो किस लेवल पे सोचते हैं, उनके एक्शंस क्या हैं, वो चीज़ों को किस तरह से लेते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ एक्शन किया तो मैं उनका एक्शन फॉलो करता हूँ, कि मान लीजिए मैंने उनसे पानी की बोतल मांगी और वो बच्चा बैठा हुआ है, तो पहली बार में पानी की बोतल देगा या नहीं देगा वो भी डिपेंड करता है कि उस वक्त उसका मूड क्या है जी। तो हम अगर इस ऐसे बच्चों के साथ अगर हमको जानना चाहते हैं तो उसके मूड को हमें जानना होता है, और उन बच्चों के मूड के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि मैं अपने हिसाब से उस बच्चे को हैंडल करूंगा, जबकि ये गलत होता है। बच्चे को हमेशा बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहिए, जो मूड उस वक्त बच्चे का है उस मूड के अकॉर्डिंग हमें बात करनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है कि चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं जी। जब चीज़ें अनबैलेंस होंगी तो दोनों के जो विचार हैं वो टकराएंगे आपस में, वो समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि टीचर अपने तरीके से समझाना चाह रहा है और बच्चे का समझने का तरीका कुछ और है। बिल्कुल, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं विशेष योग्यजन वाले बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें समझना होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी क्या है, वो बात करने के मूड में है या नहीं है, या वो कुछ काम करने के मूड में है या नहीं है। जो उनकी जिस बात में उनका इंटरेस्ट होता है उसी बात से हम उनकी बात स्टार्ट करते हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे मान लीजिए उनका इंटरेस्ट अभी खेलने का है, पढ़ने का नहीं है, बिल्कुल, तो उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दो, और खेलते खेलते धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आ जाओ और उसे किताब की बात पे ले आओ, तो उस बच्चे को लगता है कि हाँ मैं तो खेल रहा हूँ, पढ़ सुन रहा हूँ। मतलब कहने का ये मतलब है कि हमें बच्चे के अनुसार चलना पड़ेगा, टीचर को जो है खुद के अनुसार बच्चे को नहीं चलाना है, नहीं, 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 है ना, खुद उसको बच्चे के अनुसार बच्चा बन के ढलना, बच्चा बनना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। बहुत, बहुत बढ़िया। मैं अगर उन बच्चों के साथ काम करता हूँ तो मुझे वैसा ही एटीट्यूड अपनाना पड़ता है जी, कि जैसे वो है वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जैसे कई बार होता है कुछ मैं डायलॉग्स बुलवाता हूँ, जो लाइन में देता हूँ वो लाइन वो नहीं बोल पाते, वो उस लाइन को अपने तरीके से बोलते हैं। ओके, तो मैं बोलता हूँ ठीक है तुमने बहुत बढ़िया बोला है, हम इसको ऐसे ही करेंगे, तो मैं तुरंत चेंज कर देता हूँ लाइन को, ताकि उनको फिर क्या कॉन्फिडेंट आता है कि यस मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। देखो तो भावी शिक्षकों जो है सर ने बहुत बढ़िया बात करी, आप लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि यदि आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा आ जाए तो आपको अपने अनुसार उसे बिल्कुल नहीं चलाना है, आपको उस बच्चे के अनुसार चलना है। बहुत बढ़िया महमूद भाई। एक बहुत ही संवेदनशील सा सवाल है मेरा कि घर में चले माता पिता को पता भी चल गया जी मैम, लेकिन कई बार तो क्या होते हैं पेरेंट्स खुद इस बात को स्वीकार करने में वो होते कि नहीं नहीं हमारा बच्चा डिसेबल नहीं है, जैसा कि हमने देखा तारे जमीन पर, वो एक्सेप्ट नहीं करते। ईशान, हाँ ईशान के पिताजी उसको उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा डिसेबल है, ये डिसेबल है, ये ऐसा उसमें डिसऑर्डर है, तो क्यों पेरेंट्स ने वो अपने मतलब बच्चे को क्यों स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना चाहते पता चलने के बावजूद? ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या वजह है कि मुझे पता चल गया कि मेरा बच्चा है फिर भी, जबकि पेरेंट्स को तो ये होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कैसे, अगर मैं ये कहूँ कि इंस्टेड ऑफ इट यदि कोई बीमारी है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएगा,
जी, वो जी, इलाज तो वो तुरंत करवा जी, लेगा जी, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा विशेष जन है तो वो क्यों उनको भेजने में देरी करता है, क्यों संकोच होता है उसमें, थोड़ा सा इस पर जी मैम बताएं सर। बहुत सिंपल सी बात है, डर, समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे वो एक डर होता है। और उन पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं सोसाइटी को लेके जी, परिवार को लेके, कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है, तो वो एक डर एक अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं। और जब वो डर क्रिएट हो जाता है तो वो उस डर से बाहर नहीं निकल पाते और वो उस बच्चे को अपने घर में ही रखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये भगवान ने हमें ऐसा बच्चा दे दिया है, अब ये ठीक हो नहीं सकता, अब हमको ऐसे ही इसकी पालन पोषण करना है जी, लेकिन जी। उनको मैम तब बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो धीरे धीरे एडल्ट होना स्टार्ट होता है, तब ज्यादा प्रॉब्लम, जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे के अंदर वो जो शारीरिक जो विकास होता है, वो जो चेंजेस आते हैं वो तो नॉर्मल आएंगे, कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि एज के अकॉर्डिंग एक चेंजेस होते हैं और फीलिंग्स भी बदलती हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो बच्चे भी उन फीलिंग्स को समझते हैं कि मैं एडल्ट हो रहा हूँ, जवान हो रहा हूँ, तो वो फीलिंग्स हार्मोनिकल चीज बढ़ेंगे, तो वो उन चीजों को फिर पेरेंट्स को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से उन पर ध्यान नहीं दिया होता है, एक अच्छे स्कूल में नहीं डाला होता है ताकि वो उसको इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो भी समझ सके कि चीजें कैसे बदलती हैं। सर देखिए, ये फरमान खान जी हैं और ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में बच्चा है जिसकी उम्र 7 वर्ष है। जी जी मैम। मानसिक विमंदित है, बोलने की कोशिश करता है परंतु बोल नहीं पाता, क्या ऐसे बच्चों का भविष्य हो सकता है? फरमान जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर ऐसे बच्चों का भविष्य, और इनसे ही जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि ऐसे बच्चों का भविष्य जब ये बड़े होंगे तो क्या इनका आजीविका का साधन होगा, कैसे ये रोजगार करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बड़े होंगे तो जरूरतें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है, तो कैसे इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और कैसे आजीविका ये चलाएंगे? तो थोड़ा सा हमें फरमान जी का ये जो है प्रश्न इसको बताएं। जी जी बिल्कुल, फरमान खान साहब मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा कि अगर वो बच्चा 7 साल का है तो अभी समय है हमारे पास, क्योंकि अगर हम इसको एक सही ट्रेनिंग देंगे, सही दिशा देंगे और उसको एक प्रोसेस से निकालेंगे हम लोग कि सोसाइटी में अपने आप को कैसे सरवाइव करना है। अगर मान लीजिए वो मेंटली डिस्टर्ब है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो हम उसको लोगों से बातचीत करने का तरीका, चीज़ों को आदान प्रदान करने का तरीका, या कैसे चीज़ें, अगर मान लीजिए वो कोई जॉब नहीं कर पाएगा तो कैसे वो मान लीजिए अपनी दुकान लेके बैठता है या शॉप लेके बैठता है, तो वो कैसे डील करेगा लोगों से, वो सब वो प्रोसेस का एक खेल है। 1 डे 2 डे के अंदर तो हम लोग सिखा नहीं सकते, तो उस प्रोसेस से उस बच्चे को निकालेंगे तो वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है 100%। महमूद भाई, मैं यहाँ हमारे दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि महमूद भाई कुछ ऐसे स्कूल से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको उसका लिंक भेज देंगे, यदि जैसे फरमान जी ने बोला ऐसा कोई है तो आप 8875008868 पर अपनी जो भी क्वेरी भेज दीजिएगा और महमूद भाई हमें जो है लिंक जो है प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे को वहाँ पर ले जा सकते हैं। अभी जैसे 2 स्कूल से तो मैं एसोसिएट हूँ मैम, जी जी, एक दिशा है जो जयपुर निर्माण नगर के अंदर है, दिशा है जयपुर निर्माण नगर में जी, है, वो मैं वहाँ पर लगभग 7 साल से रेगुलर बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ उन बच्चों के साथ। उसके अलावा एक आशा स्कूल है, सप्त शक्ति आशा स्कूल, जो कि मिलिट्री एरिया में है, वहाँ भी जो स्पेशल बच्चों का ही स्कूल है, मैं वहाँ भी एज ए थिएटर फैसिलिटेटर वहाँ पर जाता हूँ और उनको एक सोशल कैसे बनाया जाए इसके ऊपर वर्कआउट करता हूँ। जी जी, तो बहुत बढ़िया, दिशा और आशा 2 स्कूल्स के नाम महमूद भाई ने बताए, अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है तो प्लीज आप उन्हें वो स्कूल सजेस्ट करें। जी, सर ऐसे बच्चे अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो हम जैसे लोग, ये बात तो एक खाली फैमिली बैकग्राउंड के स्कूल की, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आप जैसे, हम जैसे, हमारे दर्शकों जैसे ऐसे लोग मिलते हैं, तो कैसे इन बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें या वो कैसे अपनी फीलिंग शेयर करें, हम कैसे इसको, इस बात को समझें? जी मैम, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें उनके इमोशंस को समझना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो जल्दी हर किसी के साथ नहीं घुलते, जो लोग उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं फिर उनको देखते हैं कि वो बंदा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उसके साथ ओपन अप होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनकी फीलिंग्स समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रखते हैं,
और उनकी बात सुननी पड़ती है हमें जी, ना चाहते हुए भी। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको नेगलेक्ट करेंगे कि चलो ये तो दिव्यांग बच्चा है, इसकी क्या बात सुने, इसमें क्या सोच होगी, ये क्या बता सकता है, बिल्कुल। तो अगर हम ऐसा एटीट्यूड अपनाएंगे तो उनका जो मॉरल सपोर्ट है और जो उनका जो बात करने का जो हिम्मत है वो ब्रेक हो जाएगी, वो तो वो अपने आप को वापस से प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने पहली बार में उनको रोक दिया तो उनकी हिम्मत वही टूट जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसे बच्चों के साथ आपको रहना है तो उनको समझना जरूरी है, उनको सुनना जरूरी है कि उनके मन में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या हैं। कुछ बच्चे मैम बहुत पैम्पर होते हैं, अगर उनकी बात हम नहीं मानते हैं तो वो हिट तक कर देते हैं। अच्छा जी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर वो दूसरे को हिट नहीं कर पाते तो वो खुद को हिट करते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें बहुत सोच समझ के, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए, उनकी जो वो चाहते हैं उस ट्रैक पर चलते हुए हमें उन्हें अपने ट्रैक पर लाना होता है। अगर हम अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे ट्रैक पर आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, महमूद भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि यदि हम ऐसे बच्चों के साथ मिलते हैं तो हमें जो है उनके ट्रैक पर चलना है, उन्हें हमारे ट्रैक पर नहीं लेकर आना, हमें उन्हें समझना होगा, उन्हें टाइम देना होगा, ठीक है। और एक बात और, मैं अगर मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे हैं अगर वो ट्रैक पर नहीं आ पा रहे तो उन्हें बार बार कहना पड़ता है कि तुमने उसको हिट किया, ये गलत काम है, ये गलत काम है, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई, ये भी गलत काम है, ऐसा नहीं करना है। तो वो उसको प्रैक्टिकली जब तक हम लोग करके नहीं दिखाएंगे, देखो हिट करने से चोट लगती चोट है, लगती ये है, देखो बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मुझे हिट किया, ये देखो मेरे ब्लड आ गया, मेरे खून आ गया, तो उसको एहसास भी कराना पड़ता है कि ये चीजें गलत होती हैं। तो वो धीरे धीरे अपने माइंड में लेके आता है कि हाँ ये चीज में गलत है, इसको मुझे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं विशेष योग्य जन हूँ और हमारी दिक्कत के अवसर नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा विक्रम जी आप बताएं, आप नीचे लिख रहे हैं कि एमएड कर लिया है पर जॉब नहीं मिल रही है और पर साथी लग गए, थोड़ा सा विक्रम जी दोबारा आप मुझे बताएं कि किस तरह की विशेष योग्यता आप में है, क्या प्रॉब्लम आपको है, थोड़ा सा जब महमूद भाई आपका आंसर कर पाएंगे। सर मैं अब यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे इन बच्चों पर खर्चा भी बहुत होता है, इनका अलग से ट्रीटमेंट चलता होगा, तो कई बार पेरेंट्स को लगने लगता है क्या आफत है इतना खर्चा, क्योंकि अलग से एक जो एक फैमिली में खर्चा हो रहा है वो तो हो ही रहा है जी, और आप इस बच्चे के लिए आपको आया भी रखनी पड़ रही है व्हाटएवर जो भी आपको करना, और फिर उसके बाद आपको इसका इलाज अलग करवाना पड़ रहा है, तो ऐसे फाइनेंशियल कोई सपोर्ट अगर पेरेंट्स के लिए कहीं पर हो, अवेलेबल हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जी। अगर मान लीजिए आपकी जो पारिवारिक जो स्थिति है, वो जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए कई एनजीओज हैं जो ऐसे बच्चों की मदद करते हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट भी आजकल ऐसे बच्चों को पेंशन देती है। अगर ऐसे बच्चों का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पेंशन योजना के तहत, ताकि गवर्नमेंट उसको महीने में मेरे हिसाब से 1,000 रुपये महीना उसको उसके रूटीन जो काम है उसको पूरा करने के लिए देती है, ताकि उसके जो रूटीन काम है वो बंद ना हो, वो चलते रहें। और उसके अलावा कई एनजीओज हैं जो कि ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी जो रूटीन जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कैलीपर बनना है या स्ट्रेचर बनना है या हमको कुछ मशीन्स लानी है, तो उसको लाने में उसको वो हेल्प करती है जी। अब सर एक जो सवाल मेरा है बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ है, आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं जी, जी। और आपको 7 साल का अनुभव है ऐसे बच्चों के साथ काम करने का, तो थोड़ा सा इसी पर मेरा सवाल है कि पहले तो आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर साझा करिए और फिर मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसे विशेष योग्य जो योग्यजन जो बच्चे हैं जी, जी मैम, तो इनको नॉर्मल लाइफ जीने में या इनको एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए रंगमंच की क्या भूमिका रहती है, कैसे रंगमंच सपोर्ट करता है, जी, आप जी, इतना जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं सर जी। मैम बिल्कुल जरूर, मैं लगभग 20 साल से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और रंगमंच की विभिन्न जो विधाएं हैं, चाहे वो ऑन स्टेज हो चाहे वो बैक स्टेज हो, मैं सबसे एसोसिएट रहता हूँ। रंगमंच के साथ मुझे जुड़े हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 12 साल एक बच्चों के साथ काम किया है जिसमें स्लम्स के बच्चे भी थे, नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन जब मैं पहली बार विशेष योग्यजन बच्चों से मिला, उससे पहले मैं जानता ही था कि विशेष योग्यजन बच्चे भी होते हैं,
लेकिन जब मैं 7 साल पहले दिशा एक एनजीओ है वहाँ पर उन लोगों ने मुझे बुलाया कि हम इन बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, एक थिएटर परफॉर्मेंस तैयार करना चाहते हैं, उनका एक एनुअल फंक्शन था, तो पहली बार तो मुझे लगा कि मैं इन बच्चों के साथ कैसे काम करूँगा। मैंने आज तक इन बच्चों के साथ काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम में मुझे भी लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं पहली बार उन बच्चों से मिला था, इससे पहले कभी नहीं मिला था मैं। लेकिन जब मैंने उनसे जुड़ा और उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, उनको जानने का मौका मिला, तब मुझे उनकी फीलिंग्स महसूस हुई। तो तब जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं, लेकिन उनको बस थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और ये भी समाज में अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं। तो फिर मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो कुछ बच्चे तो मैम इतने ज़बरदस्त निकल के आए कि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि टीचर भी चौंक गए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे वहाँ पर एज ए फैकल्टी ज्वाइन करने का मुझे ऑफर दिया कि सर इन बच्चों में जो ज़बरदस्त जो बदलाव आए, चेंजेस आए, ये सिर्फ और सिर्फ रंगमंच से आए। जी, रंगमंच ने उन्हें बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया और उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बताया, सेल्फ डिफेंड बनाया। और वो जो बच्चे टीचर से बात नहीं करते थे, लोगों से बात नहीं कर सकते थे, वो उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एज ए टीचर वहाँ पर जॉब ऑफर की और फिर मैं वहाँ पर एक विजिटिंग फैकल्टी के तौर में थिएटर थेरेपिस्ट के रूप में मैं वहाँ पर उन बच्चों के साथ बहुत काम कर रहा हूँ। मतलब मैं कहूँ कि वैसे तो आपने अपने शौक के लिए इस विधा को आज तक जिया है, लेकिन स्पेशल बच्चों के साथ काम करके आपने जीवंत कर दिया अपनी कला को, और बहुत सारा पुण्य है आपने कमा लिया सर। पुण्य तो खैर मैं मानता हूँ मैम, लेकिन उसके अलावा जब मैंने उन बच्चों के साथ काम किया ना मैम, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये कि मैंने इन्होंने मुझे बुलाया और मैंने इनके साथ काम किया, मैंने एक शो रेडी किया और वो करके चला गया। जी जी। लेकिन इन बच्चों को भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मतलब मुझे पर्सनल फीलिंग आई। तो मैंने उसी वक्त प्लानिंग की कि जब मैं नॉर्मल बच्चों के साथ काम करता हूँ तो इन बच्चों को भी मैं नॉर्मल बच्चों के साथ काम करवाऊंगा और दोनों को एक सेम प्लेटफॉर्म पर खड़ा करूंगा। बहुत बढ़िया। और मैं जज्बा ही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं उन्हीं कोशिशों में लगा हुआ हूँ कि इन बच्चों को भी, एक जो नॉर्मल बच्चा स्टेज पर परफॉर्म करता है या अपनी बात को रखता है, तो ये भी सोसाइटी में स्टेज में अपने आप को प्रूव करे उन बच्चों के बराबर। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। मतलब मैं ये कहूँ कि हमारे दर्शकों को, मुझे, हम सबको, हमारे समाज के लोगों को सीखना चाहिए कि जो सोच हमारे महमूद भाई ने रखी, वही सोच यदि हम लोग रखें और एक विशेष योग्यजन बच्चे के साथ हम नॉर्मल बच्चे जैसा व्यवहार करें, और ये उससे हम कोई अपेक्षा ना करें जी जी, और बस उसको ढालने की कोशिश करें। हाँ, उसके साथ हम प्रयास करें, कोशिश करें, तो हम समाज को ऐसा एक नॉर्मल बच्चा दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूंगा कि वो अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेस हुए हैं अपनी डिसेबिलिटी के साथ। आपने मैम एक वो देखा होगा कि वीडियो, मतलब काफी वायरल हुआ है, जो उस वीडियो उसमें सारे बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं, सब लोग व्हील चेयर के ऊपर हैं और एक डांस परफॉर्म करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बहुत फेमस है। जी जी। तो उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बना के इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए वो लोग। बिल्कुल। और सर अभी एक और एड हैंड सैनिटाइजर का आता है, वो मैम का जो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, वो सब पैरों से करती है, पैरों से खाती है। और लेकिन आप देखिए, सिर्फ एक जज्बा है और वाली बात है, और फिर हालात ऐसे है कि उनको किसी ने ऐसा गाइड किया या कुछ उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ और उनको ऐसा जो है एजुकेशन, ऐसा माहौल, सब चीजें मिली, तो ये सब देने वाले हम लोग ही हैं। जी, तो हमें उसके साथ प्रयास करना चाहिए। सर मैं देखती हूँ कि जो विशेष योग्यजन है इनके साथ कुछ जो सुविधाएं हैं वो भी हमें देनी चाहिए, लेकिन कई लोग बस में चढ़ते हैं, वहाँ कैसे वो चढ़ें? बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पर रैंप नहीं है। जी जी। बैंकों में वो लोग जाते हैं तो बहुत सारी जगह सीढ़ियां ही हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, और वो इस तकलीफ से वो कैसे, मतलब गुजरते होंगे हमारे विशेष योग्यजन, तो उनके लिए क्या हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल। गवर्नमेंट तो इस चीज को लेकर प्रयास कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेल्फ अवेयर भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट में सीढ़ियों की जगह पर रैंप बनवाए ताकि उन लोगों को आने में आसानी हो। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं या सरकारी बैंक हैं या जितनी भी सरकारी स्कूल्स हैं,
वहाँ पर रैंप बने ताकि उन बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस में तो मैम मैं क्या बताऊँ कि ऐसे बच्चे सफ़र कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर कि कोई हमें साथ लेके चले तभी हम आगे सफ़र कर पाएंगे। अगर बस में भी रैंप की फैसिलिटीज हो जाए तो बहुत अच्छा हो गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, पोर्टेबल वाली जो चली जाए अंदर जी। आजकल मैम जब दरवाजे भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हो गए कि दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और ऑटोमेटिक लग जाते हैं, तो एक बटन से वो रैंप अंदर अंदर चला जाए बाहर बिल्कुल हो सकता है, और ये करना भी चाहिए। महमूद भाई, अब एक मैं बहुत ही गंभीर सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ जी। जहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ आप जानते हैं आजकल बहुत सेक्सुअली हैरेसमेंट हो रहा है, तो नॉर्मल बच्चा इससे नहीं बच पा रहा है, हम लोग बहुत आए दिन अखबार में खबर पढ़ते हैं, तो ऐसे स्पेशल चाइल्ड को सेक्सुअली हैरेसमेंट से कैसे बचाया जाए? उसको तो बहुत खतरा है जी, कि अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे सिख लोग हैं हाँ, जो ऐसे सिख हैं कि वो बिल्कुल इस काम के लिए बैठे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। मैम मैं बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई कि हमें बच्चे को ही अवेयर करना होगा। ओके। क्योंकि अगर हम बच्चे को अवेयर नहीं करेंगे तो फिर 24 आवर्स हमें किसी एक इंसान की ड्यूटी लगानी ही होगी, नहीं तो वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस करेगा ही करेगा। क्योंकि जब हमको पता चल जाता है कि ये बच्चा डिसेबल्ड है तो हमें उसे सही स्कूल में सही समय पर हमें भेजना होगा, क्योंकि स्कूल में या इंस्टीट्यूट के अंदर वो सब प्रोसेस से निकालते हैं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है जी। कि लड़के को भी सिखाया जाता है, लड़के को भी सिखाया जाता है कि कोई तुमको टच कर रहा है तो आपको फीलिंग कैसी आ रही है या आपको कैसा महसूस हो रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो शोर मचा सकते हैं, तो वो उन बच्चों को भी वही ट्रेनिंग से गुजरना होता है। तो मैम अगर हम लोग 100% कोशिश करेंगे तो 50% तो वो समझेंगे बिल्कुल, कि उनको फिर जब वो और समझने में प्रॉब्लम आती है तो स्कूल में ही प्रैक्टिकली तौर पे उनको समझाया जाता है कि कोई आपसे इस तरह से व्यवहार करता है तो वो बैड मैनर्स हैं, वो बुरा इंसान है जी। तो उससे कैसे बच सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो और लड़कियों को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम मैम होती है, क्योंकि लड़कियों की भी अगर मान लीजिए वो मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसको कुछ पता नहीं चलता, तो हमें 24 घंटे फिर वही बात है कि एक बंदा या कोई साथ में होना ज़रूरी है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। उसका मैम रीज़न यही है कि हम अवेयर नहीं होते मैम, सबसे पहली बात तो जी जी, कि जब हमें पता है कि वो उस बच्चे में डिसेबिलिटीज़ हैं, उसमें प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं हम उसको बचपन से ही उसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि ये भी उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है बिल्कुल। अगर वो उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, तो उसको ट्रेन करने के लिए उसे अच्छे स्कूल में डालना जरूरी है मैम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा महमूद भाई। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए हमारा जो समाज है, जैसे मैंने अभी बात करी कुछ सिख लोगों की जी जी जी, जिनकी सोच थोड़ी सी ऐसी हो गई है, जो अपनी मैं ये कहूंगी मानसिक रूप से मतलब एक्चुअल में वो लोग विकलांग है मानसिक रूप से, जो ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं हमारे समाज में जी बहुत अच्छे भी हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियली सोशली सब बहुत अच्छी रेपुटेशन है, हम जैसे लोग इन्हें समाज ने सोच बना ली है कि ये लोग नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते जी जी, या आप नॉर्मल नहीं है, आप हमसे अलग हैं, तो हमारे समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर कि ऐसी सोच हम कैसे बदलें? बहुत बदलाव की जरूरत है। थोड़ा सा सर मैसेज दें आप हमारे समाज को कि हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए जी, ऐसे बच्चों के लिए, कैसे हम अपनी सोच को बदलें? सबसे पहले तो हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सोसाइटी के अंदर हर इंसान अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर वर्क करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हायर वर्क कर रहा है तो उसमें बहुत अच्छी एबिलिटी है और जो लो वर्क कर रहा है तो उसमें एबिलिटी नहीं है। तो हमें उन बच्चों को अपने साथ लेके चलना होगा, उन्हें सेम प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। और डिसेबिलिटी जो की बात करूँ तो मैं ये बाय बर्थ तो होती है। क्या आप जानते हैं कि डिसेबल बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जीते हुए भी डिसेबल हो सकता है? मान लीजिए एक नॉर्मल बच्चा है, वो ठोकर खाकर गिरा और उसके सर पे चोट लगी, तो वो भी डिसेबल हो सकता है। उसका नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक हो सकता है, वो अपना मानसिक संतुलन खो सकता है, अपना शारीरिक संतुलन खो सकता है। तो ऐसे में जब एक नॉर्मल बच्चा मतलब डिसेबिलिटी की कगार पर आ पहुंचता है तो तब भी तो हम उसकी हेल्प करते हैं, तो क्यों नहीं हम उन बच्चों को अपने साथ लेकर चल सकते? अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसे हमें ही सॉल्व करना है, उसे समझाना होगा हमें कि कैसे उसको साथ लेके चलें।
बहुत बढ़िया महमूद भाई, आज आपने एक इतना अच्छा संवेदनशील सेशन हम लोगों को दिया और आप इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से, अभी पीडी चल रही है, बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकाला और कितने सहज सरल शब्दों में आपने हमें ये बताया कि जो विशेष योग्यजन बच्चे हैं वो विशेष तो है ही, उसमें तो खैर हम भी क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा स्कूल, हमारा परिवार, हम आसपास के लोग उनको एक नॉर्मल जिंदगी दे सकते हैं, बशर्ते कि हम उनके साथ नॉर्मल व्यवहार करें, उनको नॉर्मल समझें और हम अपनी सोच को बदलें। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए वो एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं है तो उसे क्यों ना हम सोशल बनाएं, बिल्कुल उसे लोगों से बातचीत करने का तरीका, लेन देन करने का तरीका, पैसे का तरीका कि भाई ये मनी है, ये 5 रुपीज है या 10 रुपीज है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी ने आपको 100 रुपीज दिए और उसने आपको 10 रुपीज का कोई सामान लिया तो आप कितने रुपीज वापस उसको करेंगे, तो ये सब प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा तभी वो सोशल हो पाएगा, लोगों से बातचीत कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया महमूद भाई। तो हमारे दर्शकों अब आप जुड़े रहिए क्योंकि अब थोड़ी ही देर में डॉक्टर हितेंद्र शर्मा की क्लास आपके सामने आ रही है, PSI की लाइव क्लासेस हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी कुछ दिन उसका डेमो क्लासेस चलेंगी और ऐप पे तो हमारे अभी लाइव हो ही रही है क्लासेस, तो आप ऐप को, ऐप वाले बच्चे ऐप से जुड़िए और जो YouTube वाले बच्चे हैं वो YouTube से जुड़िए और PSI की जो है GK GS वाली क्लासेस को आप क्लास को आज आप लीजिए और कल से हिंदी की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी। और महमूद भाई जो है विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जॉब चली गई, बहुतों की जॉब चली गई जो है। और कुंदन जी कह रहे हैं सर मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है कभी तो पता ही नहीं क्यों, लेकिन कुंदन जी आप मेरे ख्याल से शायद डिसेबल नहीं है, डिसेबल नहीं, गुस्सा तो सभी को आता है फिर भी आता है तो पर्सनली मिल लीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। चलिए तो महमूद भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, आपने एक बहुत ही अच्छा सेशन आज दिया और मैं ये कहूँ कि बहुत सारी चीजें आपने हमें यहाँ पर सिखाई, तो परिष्कार वर्ल्ड की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। एक के बाद एक एग्जाम, एग्जाम्स की श्रृंखला शुरू हो चुकी है दोस्तों, और इस श्रृंखला में आप किसी भी एग्जाम के कोर्स को लेने से ना चूक जाएं, इसलिए परिष्कार वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है बसंत पंचमी ऑफर। सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर बहुत भारी छूट, इस बसंत पंचमी ऑफर का फायदा उठाइए, अपने कोर्सेज को नहीं क्वालिटी से भरे हुए कोर्सेज को लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद।